प्रदेश के भेड़िए के बाद अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खूंखार जानवर सियार का खौफ छा गया है। सियार ने हमला कर 6 लोगों को घायल कर दिया। इनमें से 2 को गंभीर हालत में ले जाया गया और 4 घायलों को सीहोर, 2 को गंभीर घायलों को नर्मदापुरम जिले के अस्पताल रेफर किया गया। वहीं खेरी गांव में तेंदुए के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। सियार का आतंक कब होगा अंत? सियार का खौफ दहशत में लो। तेंदुए की मूवमेंट ग्रामीणों में भय। कब खत्म होगा जंगली आतंक? यूपी में भेड़िए के हमले की घटनाओं के बीच एमपी के सीहोर जिले में सियार के हमले का मामला सामने आया है। जिले के रहटी संगोनिया में सड़क किनारे 2 ग्रामीणों पर सियार ने जानलेवा हमला कर दिया। दोनों युवक जंगली जानवर से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। सियार का हमला पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सियार के हमले की घटना के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण डरे हुए हैं, उन्हें हर समय सियार के हमले का खौफ सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी गांव के आसपास सियार नजर आ जाते थे, लेकिन ये पहली बार है जब सियार हिंसक हुए हैं। जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है, भयभीत हो रही है, इसलिए इसमें कार्रवाई करना चाहिए फॉरेस्ट को। सियार से कितना डरे हैं आप? बहुत भयंकर डरे हैं, आदमी निकलना नहीं चाहता घर से। आप सभी लोग देखते हैं उस हिसाब से, ऐसे ही हालत बन रहा है, नहर सियार आ रहे हैं उस हिसाब से। वो क्या शाम के टाइम निकलते हैं, दिन में इधर उधर छुप जाते हैं जंगल में, और उनके जो बच्चे थे वो बच्चे पानी के कारण वो बच्चे इधर उधर हो गए, उस कारण वो हमला कर रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। वहीं सीहोर जिले में सिर्फ सियार की ही दहशत नहीं, अब तेंदुए की मूवमेंट ने भी ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। खेरी गांव में पिछले 15 दिनों से तेंदुए की आहट से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने गांव के आसपास कई बार तेंदुए के दिखने की बात बताई है और इस बात की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए की धरपकड़ के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। वन विभाग की माने तो सीहोर जिले में सियारों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सियार की आक्रामकता वन विभाग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रामीणों के खेत जंगलों के आसपास ही हैं और सीहोर जिले के 29% इलाके में घना जंगल है, इसीलिए जंगली जानवर खेतों के आसपास दिख जाते हैं। प्रदीप चौहान, न्यूज 18, सीहोर। और इसी बीच यूपी के बहराइच से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। बहराइच के महसी क्षेत्र में मैकोपुरवा गांव में एक बच्ची की गर्दन पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी तरह बच्ची की जान बच गई, लेकिन गांव के लोगों में भेड़िए का खौफ और बढ़ गया है। भेड़िए के हमले में घायल लड़की की मां के मुताबिक, जब सब लोग सो रहे थे इसी दौरान भेड़िया उनकी बेटी को सड़क तक खींच ले गया। उसके बाद बिटिया के शोर मचाने पर सब लोग दौड़े, तब उसकी जान बच पाई। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। जिसे आदमखोर भेड़िए ने भी हमला करके घायल किया है, मैकोपुरवा का यह मामला है। और देखिए, इस बच्ची के गले पे आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और यह बच्ची जो है अब इस वक्त मैसी तहसील के इलाके के CHC लाई गई है, जहां इसका इलाज चलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे जाए और इसको दिखलाए बच्ची को कि यही वो बच्ची है जो घायल हुई है। और माना जा रहा था कि जो एक भेड़िया बचा है वो आक्रामक होगा और उसने वही किया, हमला कर दिया उसने इस मासूम बच्ची पर। इसकी जान बच गई है, ये बड़ी अच्छी बात है, राहत की बात है कि इस बच्ची की जान नहीं गई है। और देखिए किस तरीके से ये इसका गले में, मैं कहूँगा गले का बात दिखना है इसका जो है कि कितना घायल है इसका गला। क्या हुआ है आपकी बिटिया के साथ? भैया हमारा, क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, कितना बड़ा रहा है? 10 साल। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सुमन। लज्जावती है, ये बता रही है कि मेरी बेटी सो रही थी और उसे भेड़िया उठा ले गया, सड़क तक ले गया। उसके बाद किसी तरीके से वो चिल्लाई तो उसे बचा लिया गया, लेकिन माँ उसकी रो रही है कि किस तरीके से मेरी बेटी पर अटैक हुआ है। ताहिर हुसैन, न्यूज 18 इंडिया, बहराइच। बहराइच के मासी इलाके में फिर से दहशत का माहौल बन गया। भेड़िए के हमले में एक बार फिर पूरी रात लाठी डंडा लेकर अपनों को सुरक्षित करते लोग नजर आए। आदमखोर भेड़िए के आज पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है, मगर इन्हें डर है कि कहीं अभी एक जो इनका साथी बचा है वो आक्रामक न हो जाए और गांव पर हमला न कर दे। मैं निकला हूं इस वक्त
मैसी तहसील के एक गांव के इलाके में, जहां पर लोग सड़कों पर लाठी डंडे लेकर टहल रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर अब इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग इस इलाके में क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है जो आप लोग इस ये देखिए कुछ लोग सिटी बजा रहे हैं ऊपर है, इनसे पूछते हैं कि ये लोग ऊपर क्या कर रहे हैं ये लोग इस तरफ, और हम भी चल के देखते हैं कि इस इलाके में जो है क्या तैयारी है पूरी आप लोगों की, रात में इस तरफ जो क्या कर रहे हैं आप लोग। ये भेड़िया जो पकड़ गया है वो अपने परिवार को एक लोग सदस्य उनका खत्म हो गया है, पकड़ गया है, इसलिए वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग सीटी बजा करके उसको खदेड़ने की। गांव के लोग हैं जो रातों में पहरा दे रहे हैं कि कहीं वो एक बचा हुआ आदमखोर भेड़िया इनके करीब ना आ जाए, क्या कर रहे हैं आप लोग इस तरफ? एक अभी पकड़ा गया है जल्दी जल्दी, और बाकी भी जंगली जानवर दिखाई देते हैं अजीब तरीके से, तो भेड़िया के साथ में कई जानवर दिखाई देते हैं, इसलिए हम निगरानी करते हैं, रात में निगरानी करते हैं। जैसे कुछ लोग डंडे लाठी पटक रहे हैं, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखा है आपको, कुछ दिखा है यहाँ पे ये लोग क्या? हाँ, 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 इतना है जंगली जानवर, भेड़िया दिखाई है यहाँ पे, यहाँ से भाग जाए। मैं ये लोग जो है लगातार, ये कौन सा इलाका है जहाँ पर आप लोग सर्चिंग कर रहे हो? सिकंदरपुर। तो यहाँ पर पूरी रात ड्यूटी करते हो जी? कितने बजे से कितने बजे तक? 7 बजे से 6 बजे, सुबह 6 बजे तक। तो इस इलाके में चौकन्ना रहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ये चौकन्ना रहते हैं ये लोग, ताकि किसी तरीके से कोई जो है वहाँ पर कोई जानवर ना आने पाए। तमाम तरीके से देखिए, ये अधिकारी भी रात में कॉम्बिंग करते हैं, तमाम ये गाड़ियां आई हैं, ये देखिए ये फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं ये जो सर्चिंग ऑपरेशन करा रहे हैं इनकी, ये रात भर चलते हैं इसी तरीके से, ताकि कोई किसी को डर ना हो और कोई जानवर इनके ऊपर हमला न कर सके। का ये डंडा है ये लिए हुए हैं हाथों में, इस तरह से हमें दिखा रहे हैं कि ये डंडा है, और इसमें ये कांटे लगे हुए हैं कि अगर कोई जंगली जानवर हो या भेड़िया हो अगर इस डंडे से उस पर वार कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाएगा और इंसानों पे हमले नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से लोग डंडे लाठी, कुछ लोग बंदूक भी लेकर निकलते हैं, ताकि किसी तरीके से कोई खतरा ना हो और अपनों को बचाया जा सके। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। 2 माह से आतंक मचाने वाले आदमखोर 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, और इसी बीच देर रात फिर से भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद लोग पूरी रात जागे नजर आए। गांव के लोग देखिए किस तरीके से ये बंधों पर चढ़कर, बंधे के पास जो नदी का इलाका है वहां पर ये तलाश कर रहे हैं आदमखोर भेड़ियों की। आप देख सकते हैं इनकी मेहनत जो है वो इसलिए हो रही है कि कोई अपना इनका शिकार न हो जाए आदमखोर भेड़िए का, और ये लोग लगातार इसी तरीके से पूरे इलाके में सर्च करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं ये। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन गांव के लोगों में जो जागरूकता फैलाई है अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, फॉरेस्ट विभाग ने, इस तरीके से कि आपको रात में जागना है और सुरक्षा करनी है, तो ये मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अगर इन्हें जरा से भी आहट मिलती है कि कोई जानवर है, चाहे वो जंगली जानवर हो या भेड़िया हो, ये तुरंत उसकी मूवमेंट की ताप तरफ पहुंच जाते हैं और उसे भगाने का प्रयास करते हैं कि वो इस गांव में ना आने पाए। गोले दागते हैं, पटाखे दागते हैं, आवाज करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं कि वो ढोल या आवाज से वो जो भेड़िया है वो भाग जाए। जंगली जानवर आवाज से भागता है, इसीलिए ये सीटियां बजा रहे हैं कि गाँव में वो घुसने ना पाए। ताहिर हुसैन, न्यूज 18 इंडिया, बहराइच। यूपी में सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि कई जिलों में जंगली जानवरों का खौफ है। हालात ऐसे हैं कि गांवों में पूरी रात पहरेदारी हो रही है। बहराइच में जहां छठे भेड़िए की तलाश तेज हो गई है, तो लखीमपुर खीरी में 2 भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया और उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। कुशीनगर में जंगली जानवर के हमले में 6 लोग घायल हो गए। उधर वाराणसी के गांवों में भी भेड़ियों की दहशत है, जबकि रायबरेली में सियारों के हमलों में कुछ ग्रामीण घायल हुए हैं। इस बीच झांसी में भी सियारों की दहशत में लोग चैन से नहीं सो पा रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि बहराइच के अलावा अन्य कई ऐसे जिले हैं, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, वाराणसी, रायबरेली, जहां पर जंगली जानवरों की आमद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। झांसी में सियारों ने दहशत मचा रखी है, जंगली जानवर से कुशीनगर भी दहला हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी 2 बार भेड़ियों का हमला हो चुका है। रायबरेली की बात करेंगे जहां पर सियारों के हमले में लोग घायल हो रहे हैं, और भेड़ियों की दहशत वाराणसी में भी देखी जा रही है।